Hello everyone, this is Mansi from EV30.in. And now we are starting with question number 6, exercise 10.3. So in this question we have a tabletop measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter. What is its area in square meters? Ab hame ek tabletop ke measures given hai, length and breadth. 2 meter by 1 meter 50 centimeter matlab, by yaha matlab hai, this is length, this is breadth or vice versa. अब हमें एक तो मीटर्स में गिवन है, एक हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में गिवन है. सो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स टेक द लेंथ एज 2 मीटर्स. नाउ द ब्रेथ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. सो इस पूरे को या तो आप मीटर्स में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर्स में. नाउ अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स. अब यहाँ पे इतना पार्ट तो ऑलरेडी मीटर में, 1 मीटर मीटर में ही है. 50 सेंटीमीटर्स को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है. सो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अब 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है, सो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 meters, राइट? सो हमें देखना है 50 सेंटीमीटर का. सो 50 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 50/100, राइट? 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बिकम 0.5 meters, राइट? सो ये हो गया 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर विच इज 1.5 meters, राइट? अब ये पूरा हमारे पास मीटर्स में आ गया. सो लेट्स गो अहेड एंड फाइंड द एरिया. सो एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? अब लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है टेबल टॉप के, मेंशन नहीं है. लेकिन अगर सिर्फ एक साइड गिवन होती तो वो स्क्वायर होता. अब सिंस लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, सो मींस इट इज इन द रेक्टेंगल शेप. नाउ लेंथ इज 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज 1.5. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस 1.5 इनटू 2. सो 2 इनटू 5 इज 10, 2 इनटू 1 इज 2 प्लस 1 3 एंड वी हैव अ पॉइंट हियर. सो हमारे पास आ गया 3.0 विच इज 3 मीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ दिस टेबल टॉप इज 3 मीटर स्क्वायर. नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.